हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मेरे सामने देख सकते हैं आप लोग, ये बोगनवेलिया का प्लांट है। और आज मैं बात करूँगी कि बोगनवेलिया को फरवरी में कैसे तैयार करें कि वो आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग कर सके। फरवरी महीने में क्या करना चाहिए बोगनवेलिया के प्लांट में, तो आज मैं यही टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये दो प्लांट मेरे बोगनवेलिया के हैं और दोनों कटिंग से तैयार किए हुए हैं। पिछले साल मैंने इसको समर सीजन में तैयार किया था कटिंग से, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें देखिए छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं ये देखिए, और ये फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस समय फरवरी महीने में इसकी ग्रोथ का सीज़न होता है, फ्लावरिंग का समय शुरू हो जाता है फरवरी महीने में। तो आज मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ये कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है, तो इसका मदर प्लांट मेरे पास है, मैं उसी पे करके आप लोगों को बताऊंगी। तो जैसे विंटर सीजन जैसे शुरू होता है, तो विंटर सीजन में इसकी ग्रोथ नहीं होती है बहुत ज़्यादा, जो है ग्रोथ जब शुरू होती, जब फरवरी का महीना शुरू हो जाता है तब इसकी धीमे धीमे ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ग्रोथ जब शुरू होती है तो इसमें जो है फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है फरवरी महीने में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बोगनवेलिया के प्लांट को फरवरी महीने में कैसे तैयार करना है कि वो आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग कर सके। तो चलिए मैं बताती हूँ, और मैं इस प्लांट पे तो नहीं बताऊँगी, मेरे पास एक प्लांट और है जिसकी कंडीशन थोड़ी सी अभी ख़राब है, उसको भी मुझे सही करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या करना है उसमें। तो चलिए ये वाले प्लांट मैं यहीं रख छोड़ देती हूँ, और जिस पे बताना है मैं अगले प्लांट में बताती हूँ चल के। तो ये है बोगनवेलिया का प्लांट, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, है तो बढ़िया ये, लेकिन इसमें कुछ हमको चेंजेस करना है। अगर आपके पास ऐसा बोगनवेलिया है तो उसको कैसे हम फ्लावरिंग के लिए तैयार करेंगे। आपको एक प्लांट इसमें और दिख रहा होगा, ये मधुमालती का है, और ये इसकी कहीं से कटिंग लग गई है तभी ये इसमें निकल आया है, तो काफ़ी बड़ा हो गया ये देखिए यहाँ तक है। तो आज इसको भी मैं सेपरेट करूँगी, और बोगनवेलिया में क्या करना है फरवरी महीने में वो भी मैं इसी प्लांट पे बताऊँगी, क्योंकि वो दोनों प्लांट मेरे ठीक हैं लेकिन ये थोड़ा सा कंडीशन इसकी ख़राब है, तो इसी पे मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो ये प्लांट मेरा पिछले साल मैंने इसमें लगाया था, ये छोटे टब में लगा हुआ है, तो आज मैं इसको गमले में शिफ्ट करूँगी, और इसको मैं जो है थोड़ा सा या तो इसी में शिफ्ट करूँगी, देखती हूँ क्या करना है। इसकी रूट बहुत ज़्यादा बाउंड हो रही हैं, तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मुझे समझ में तो यही आ रहा है कि मैं इसी में रहने दूं, बस केवल थोड़ा सा इसको निकाल के मुझे फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये जो मधुमालती के जो प्लांट सारे लगे हैं ये मुझे अलग हटाने हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ क्या करना है। पहले तो ये प्लांट जो इतना ज़्यादा टहनी टहनी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसको पहले मैं छोटा करती हूँ, तो इसकी प्रूनिंग करती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप प्रूनिंग करेंगे आपका प्लांट उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये ब्रांचें हटा देना है इस तरह से, और आज मैं जो है आप लोगों को बताऊंगी इसमें कौन सी खाद देनी चाहिए और कौन सी खाद नहीं देनी चाहिए। आज मैं सारी बातों को आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो इसकी पहले हम प्रूनिंग कर लेते हैं, इस तरह से काट देंगे। अब ये देखिए इतनी बड़ी टहनी, ये देखिए इतनी बड़ी, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक गई है, कई ब्रांचें निकली हैं इसमें, तो मुझे थोड़ा छोटा ही रख करना है ना, तो इसको यहाँ से काट देंगे इस तरह से, ये देखिए। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, तो उसको भी हम लगा सकते हैं। चलिए वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले अभी जो कर रही हूँ उसको मैं कर दूँ। आप लोगों को तो पता होगा कि सीजन में प्लांटों की प्रूनिंग तो करी ही जाती है, और ये प्लांट मेरा रखा हुआ था काफ़ी दिन से, और मैं विंटर सीजन में इस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। अच्छा, विंटर सीजन में थोड़ा ग्रोथ करने का समय इसका कम होता है, तो
ध्यान नहीं दिया मैंने। मधु मालती का जो प्लांट है उसको भी थोड़ा सा काट देंगे इस तरह से, इसको ब्रांचें छोटी कर देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा काम करने में। तो इस तरह से मैंने इसको देखिए छोटा कर दिया है। अब करना क्या है, अब इसमें करना क्या है, जो ये मधु मालती की जो प्लांट है इनको मुझे निकाल लेना है अलग। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। स्किन लॉक कर लो, स्किन लॉक। तो करना क्या है, इस प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा बाउंड हो रही है देखो, तो ये भी मैं आज सही करूँगी क्या करना है। तो इसको मैं सोच रही हूँ बाहर निकाल लूँ फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है। इस तरह से इसको पलट देना है। ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा मतलब मिट्टी बहुत, ये देखिए रूट्स कितनी ज़्यादा इसके ऊपर हैं, ये देखिए रूट्स, इसमें गुड़ाई भी नहीं करते बनता है, ये सब रूट्स हैं। तो इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने निकाल लिया है, आप लोग देख सकते होंगे कितना ज़्यादा इसका रूट बॉल बड़ा है, ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा। तो इसको करना क्या है, इसको मैं इसकी रूट्स की प्रूनिंग भी थोड़ा कर दूंगी क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसका जो मधु मालती का जो प्लांट है इसको भी अलग करना है, इसकी रूट बहुत ज़्यादा बाउंड हो रही है उसको भी हटाना है। तो इसको काट लूँ फिर दिखाती हूँ आपको क्योंकि ये कट नहीं रही है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा हैं, और मैं करने तो कुछ और आई थी और करने कुछ और लगी हूँ। ये प्लांट अलग नहीं हो रहा है और मुझे इसको अलग करना है, मधु मालती का प्लांट, इसकी जड़ इतनी ज़्यादा इसमें हो गई है कि काटने में हो रही है दिक्कत। अब यही अलग करना है और इसकी जड़ इतनी ज़्यादा इसमें अंदर चली गई है कि दोनों की जड़ें एकदम मिक्स हो गई हैं। ये देखिए ये वाली जड़ इतनी मोटी है कि ये निकल नहीं रही है, तो इसको मैं थोड़ा बांके से काटूंगी। ये है इसकी बोगनवेलिया की, ये देखिए निकल आई इसका क्या, ये देखिए अब कटी है, ये इतनी मोटी जड़ ये कट नहीं रही किसी चीज़ से भी। तो इसका रूट बॉल ये मैंने इतना छोटा कर लिया है, ये देखो मेरे चोट भी लग गई। इसके बोगनवेलिया के जो कांटे हैं वो लग गए हैं यहाँ पे, कांटे लग गए हैं बोगनवेलिया के, कांटे होते हैं ना ये वाले छोटे छोटे से, ये जो है लग गए हैं। तो मुझे इसी मिट्टी में शिफ्ट करना है, तो क्या करना है, इस मिट्टी को अच्छे से साफ कर लेना है, इसमें जो जड़ें हैं बड़ी वाली वो सब हटा देनी है, इस तरह से मिट्टी हटा देना है। ये देखिए इस तरह से जो गिट्टियाँ होती हैं वो हटा देना है। ये ऊपर से पड़ जाती हैं, बच्चे खेलते हैं तो गिट्टी विट्टी सब गमले में पड़ जाती हैं। तो इसी मिट्टी में शिफ्ट करना है। और ये गमला मैंने लिया है, ये लमसम 12 इंच का गमला है और आप देख सकते हैं इसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, ये देखिए। तो नीचे मैं हमेशा बताती हूँ, एक गिट्टी ऐसे रख दूंगी इस तरह से, और जो पुरानी जड़ें हो जो निकाली है मैंने इस तरह से, अगर वो चाहें तो वो भी रख सकते हैं आप लोग इस तरह से, थोड़ा सा नीचे रख देंगे ऐसे और ये मिट्टी भर देंगे। प्लांट रख देंगे और इसको चारों तरफ मिट्टी भर देंगे।
और मिट्टी आपको इतनी डालनी है कि आपको इतनी मोटी लेयर कम से कम जो है इतनी मोटी लेयर कम से कम खाद की बनानी है, वो भी मैं बताती हूँ अभी कैसे बनाना है। जैसे ये मिट्टी मैंने डाल दिया है इसमें, अब ये मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट है, ये देखिए ये ब्राउन वाली वर्मी कंपोस्ट है और इसी को मैं डाल दूंगी इसमें इस तरह से अच्छे से दे देना है। और इसके बाद क्या देना है, ये है पोटास, तो पोटास लमसम आपको लेना है 1 चम्मच, अंदाजे से ले लेना है इस तरह से, ये पोटास है 1 चम्मच लमसम डाल देना है ऐसा। ये इसमें पोटास में बहुत सारे कलर आते हैं, थोड़ा सा और डाल देंगे और इसको मिला देंगे इसी खाद में जो वर्मी कंपोस्ट है, इसमें मिला के ऐसे, और आपको ऊपर से डाल देना है जो मिट्टी मैंने निकाली थी, थोड़ी सी मिट्टी डाल देना ऊपर से। इस तरह से डाल देना है, पोटास जो है जो फ्लावरिंग के पौधे होते हैं उसमें पोटास जरूर डालना चाहिए। मेरे पास थी नहीं तो अभी तक मैं नहीं डाली थी, नहीं बताई आप लोगों को, लेकिन मैंने अभी कल शॉपिंग किया थोड़ी सी प्लांट के लिए तो मैंने लिया था पोटास। इस तरह से मिट्टी से बंद कर देना है, अब इसमें पानी डालूंगी और पानी डाल के इसको रख दूंगी, और ये जैसे ब्रांचें हैं इनको थोड़ा सा मैं और काट दूंगी इस तरह से, जो पतली पतली ब्रांचें हैं इनको हटा देंगे, और आपको बस ऐसे ही इसको तैयार करना है। आपको इसमें DAP नहीं डालना है, DAP जो है इसको नाइट्रोजन नहीं देना है, हमें इससे फ्लावरिंग लेना है, इसलिए हम पोटास डालेंगे और वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, गोबर की खाद नहीं डालेंगे और नाइट्रोजन वाली DAP नहीं डालेंगे। आपको ये करना है फरवरी महीने में, प्रूनिंग करिए और खाद दीजिए, और ज़्यादा आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है तो वर्मी कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है कि आप जो है उसको मतलब जो है नाप के थोड़ा सा जैसे आपका पॉट हो वो ले लीजिए और ओवरनाइट के लिए उसको भिगो दीजिए पानी में, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं। और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ये भी होता है किचन वेस्ट का, वो भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है इसके ऊपर। तो इसको फुल धूप में रखेंगे, और मैंने आपको दिखाया कि इसके जो रूट्स की प्रूनिंग था मैंने वो भी किया, प्लांट की प्रूनिंग किया और प्लांट को गमले में शिफ्ट भी किया, वर्मी कंपोस्ट दिया मैंने खाद में और मैंने दिया पोटास। तो आपको ये खाद देना है इसमें, बस आपका प्लांट तैयार हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसको ऐसी जगह रखूंगी जहां इसको फुल सनलाइट मिले। तो ये प्लांट मेरा तैयार हो गया है फ्लावरिंग के लिए, तो इसमें पानी और मैं डालूंगी और अच्छे से पानी देना है आपको, ताकि जो मैंने खाद दिया है वो मतलब जो है पानी नीचे तक खाद इसके मिल जाए। तो आपको इस तरह से बोगनवेलिया प्लांट को तैयार करना है। आज मैं सिर्फ आपको बताने आई थी खाद कैसे देनी है, कौन सी खाद देनी है बोगनवेलिया में, लेकिन यहाँ आके देखा तो बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स प्रूनिंग की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा रूट्स इसकी मतलब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा था, फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसी वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूं। तो अगर बोगनवेलिया का प्लांट आपके ऐसा है तो आप लोग इसी तरह करिए और खाद दीजिए, पानी दीजिए अच्छे से, क्योंकि समर सीजन में इसकी ग्रोथ होने लगती है और पानी खाद की ज़रूरत होती है, खाना पीना सब जो है इसको इसी चीज़ से मिलता है जो खाद दिया है और जो पानी देती हूँ। तो आप लोग बोगनवेलिया प्लांट को इसी तरह दोस्तों तैयार कीजिए और देखिए कुछ ही दिनों में आपके प्लांट में बहुत सारे ढेर सारे जो है फ्लावरिंग होने लगेगी। तो ये प्लांट मेरा तैयार हो गया है फ्लावरिंग के लिए, तो इसको मैं ऐसी जगह रखूँगी, अभी तो फ़िलहाल इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी किया है, प्रूनिंग भी किया है और रूट्स की भी प्रूनिंग किया है, तो मैं बिल्कुल भी इसको हिलाऊँगी डुलाऊँगी नहीं, जहाँ पर है वहीं पर छोड़ दूँगी इसको, सुबह मैं आके इसको मैं अलग रखूँगी जहाँ पर वो प्लांट रखे वहाँ पर। तो इसमें DAP नहीं डालना है
क्योंकि डीएपी को अगर आप डालेंगे तो डीएपी नाइट्रोजन हमें नहीं डालना है, और नाइट्रोजन जिन खादों में होती वो खाद हमें इसे बोगनवेलिया को नहीं देना है, क्योंकि हमें फ्लावरिंग चाहिए, पत्तियां नहीं चाहिए। और जो पत्तियों वाले प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बोगनवेलिया में डीएपी को इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो खाद इसके लिए नहीं होती। इसको और हिबिस्कस को डीएपी नहीं डाला जाता है, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि आपको जो है डीएपी नहीं डालना है। और दूसरी बात यह है, जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं उसमें पोटास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और पोटास तो आप डाल ही सकते हो अपने पॉट के अनुसार। तो दोस्तों, एक बार मैंने इसमें पानी दे दिया है, एक बार हमें और देना है। तो ये मैंने पानी ले लिया है, इसमें ये सांप का एंटी फंगीसाइड पाउडर है, तो थोड़ा सा मैं ये मिलाऊंगी इसमें और पानी इसको दूंगी बोगनवेलिया प्लांट को अपने दे देंगे अच्छे से। ये देखिए नीचे बैठ जाता है फंगीसाइड पाउडर। आपने देखा कि जो है मैंने बोगनवेलिया के प्लांट में क्या किया, आज कैसे तैयार किया है। तो आप लोग इसी तरह बोगनवेलिया के प्लांट को तैयार कीजिए फ्लावरिंग के लिए, बहुत प्यारा प्लांट है। और जो जो मैंने चीज़ें बताई है वो करिए आप। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आप लोग इसी तरह इसको तैयार कीजिए और फ्लावरिंग के लिए। देखिए इसमें एक भी पत्ती नहीं है लेकिन फ्लावरिंग हो रही है, और बल्कि मैंने कोई भी खाद इसमें नहीं डाला है, पिछले साल कटिंग से तैयार किया था। तो आज मैंने आप लोगों को बोगनवेलिया में क्या क्या काम किया है वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई और बताई। इसकी प्रूनिंग किया, इसकी क्लीनिंग किया, इसकी जो है रूट्स प्रूनिंग किया, और प्लांट की भी प्रूनिंग किया। तो आप लोग इस तरह अपने प्लांट को तैयार कीजिए, और जब भी पानी डालिए तो थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला के पानी दे दीजिए इसको। और पानी इसमें ओवर वाटरिंग मत करिए, पानी अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसमें सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आएंगी। जितना कम पानी डालेंगे बोगनवेलिया प्लांट में उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी, इसलिए पानी बहुत कम डाला जाता है। तो आप लोग जैसे अब समर सीज़न शुरू हो गया है, तो अब करना क्या है आपको, कम से कम हफ्ते में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी दीजिए। जब इसकी एक इंच की जो मिट्टी है वो सूख जाए तब इसको पानी दीजिएगा। पानी कम देंगे तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, अगर पानी बहुत ज़्यादा इसमें डालते रहेंगे तो पत्तियां निकलेंगी और फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने प्लांट को तैयार कर सकते हैं बोगनवेलिया प्लांट को फरवरी महीने में। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ लास्ट में, कि आप अगर जो है जैसे कीले आती हैं बड़ी वाली या छोटी वाली कोई भी, आप इसमें 4-5 डाल दीजिए, मिट्टी में गड़ो दीजिए, मतलब दबा दीजिए, या फिर जो लोहे का जूना आता है जिससे हम लोग बर्तन धुलते हैं उसको कई टुकड़ों में काट लीजिए और जगह जगह पे इसको चारों तरफ रिंग टाइप में दबा दीजिए मिट्टी के नीचे। तो क्या होगा, उससे इसको आयरन मिलेगा, पानी जब भी डालेंगे तो इसको आयरन मिलेगा। तो आयरन इसको जब मिलेगा तो फूलों का कलर बहुत बढ़िया आता है। तो आप लोग उस तरह से भी इसको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई और करके भी दिखाया। मैं केवल यहाँ पे खाद डालने आई थी, बताने आई थी आप लोगों को, लेकिन जो है आज मुझे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें देखा, रूट बाउंड हो रही, तो मैंने फिर हमने कहा सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बता ही देती हूँ। और एक बात दोस्तों, अगर आपका प्लांट इस कंडीशन में अगर है जैसा मेरा ये वाला था, जैसे कंडीशन मैंने दिखाई थी, तो आपको करना क्या है, उसकी रूट्स की प्रूनिंग करनी है, प्लांट की प्रूनिंग करनी है, उसको क्लीनिंग करना है, फिर आप उसमें खाद पानी दे सकते हैं। और अगर आपका प्लांट ऐसा नहीं है तो आपको करना क्या है, उसमें 2 इंच लेयर आपको डालना है वर्मी कंपोस्ट, और ऊपर से डालना है आपको पोटास। कम से कम बड़ा गमला है तो बड़े चम्मच से 1 चम्मच डालिए, अगर छोटा गमला है तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच डालिए पोटास। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को मतलब खाद दीजिए, फिर ऊपर से 1 लेयर मतलब जो है आप डाल दीजिए मिट्टी की, जैसे मैंने इसमें बताया था इस वाले प्लांट में। तो आपको इस तरह से अपने प्लांट को तैयार करना है, और फिर आने वाले समय में देखिएगा कितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, कितनी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस तरह तैयार कीजिए जैसे मैंने इसको तैयार किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।